हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आपका सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूँ जो कि नाउंस पर बेस्ड है। इसमें मैं आपको रूल्स और सेंटेंसेस यानी कि एक्सरसाइज साथ साथ कराऊँगा, क्योंकि तो इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम नाउंस का जो टॉपिक है उसके पहले रूल्स आपको समझाएँ फिर एक्सरसाइज कराएँ। मैं कम समय में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो भी होते हैं TGT और PGT इंग्लिश के लिए, वो मैं आपको अपनी इन वीडियोस में पढ़ाऊंगा। और ये नाउंस का पहला पार्ट होगा। सेकंड पार्ट को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें, बिकॉज इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अन्य वीडियोज़ बनाने के लिए। कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ मेरे साथी, कुछ मेरे दोस्त उसमें भी कंजूसी करते हैं। वो ना तो सब्सक्राइब करते, ना वीडियो को शेयर करते, ना लाइक करते, जबकि आपके लाइक का और सब्सक्राइब का हमें कोई भी पैसा नहीं मिलता, बस मिलती है तो केवल एक मोटिवेशन। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, पहला सेंटेंस देखिए, कैन यू सी दैट द कैटल, ये ए पार्ट है, इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये बी पार्ट, सो यू कैन नॉट प्ले देयर, ये सी पार्ट, और डी, नो एरर। यानी कि एक ही सेंटेंस में आपको चार पार्ट दिए गए हैं, इनमें से किसी एक पार्ट में एरर है, गलती है, वो गलती हमें बतानी है। तो देखिए, इसमें जो पहला पार्ट है, इसमें नाउन आया है कैटल, और सेकंड पार्ट में इज का यूज हुआ है, जबकि जो कैटल है, कैटल, कैवलरी, क्लर्जी, जेंट्री, पोल्ट्री, पुलिस, यूथ, वर्मिन, ऑल दीज नाउन्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज प्लूरल। ये सभी नाउन्स हमेशा प्लूरल में प्रयोग होते हैं, इसलिए इनके साथ जो वर्ब है वो भी हमेशा प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर इज की जगह आर का यूज होगा, यानी कि इसी पार्ट में गलती है। सेकेंड सेंटेंस, इफ दोज कैटल्स आर, ये ए पार्ट, योर्स हुज, ये बी पार्ट, आर दीज वंस, सी पार्ट, नो एरर, डी। अब देखिए, यहाँ पर पहले पार्ट में गलती है। गलती क्या है? यहाँ पर कैटल्स में एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये जितने भी नाउन हैं इनमें हम एस का यूज नहीं करते, तो यानी कि ए पार्ट में गलती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक सलमान खान एट ए पार्ट, ऑल इवन दो ही हैज, ये बी पार्ट, नंबर ऑफ गुड मूवीज टू हिज क्रेडिट, सी पार्ट, नो एरर, डी। तो देखिए, इसमें पहले पार्ट में ही गलती है। जेंट्री जो वर्ड होता है ये प्लूरल होता है, और प्लूरल वर्ड के साथ कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज नॉट का यूज नहीं होता, डू नॉट का होता है, इसलिए ए पार्ट में गलती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम, सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन, यानी कि ए पार्ट, द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम, बी पार्ट, सो वी आर गोइंग, सी पार्ट, द टू द पुलिस स्टेशन, और डी पार्ट, नो एरर। तो इसमें पहले ही पार्ट में गलती है, जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको रूल बताया कि पुलिस भी प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पर हैव का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, साइंस हैज प्रूव दैट, ये ए पार्ट, इवन वर्मिन, ये बी पार्ट, कैरीज डिजीज, ये सी पार्ट, नो एरर, डी। देखिए, यहाँ पर बी पार्ट में गलती है, क्योंकि वर्मिन ये भी प्लूरल नाउन होता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, यहाँ पर कैरीज की जगह कैरी आएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, यस्टरडे शी गेव मी सेवरल पीसीज ऑफ एडवाइसिस, ये ए पार्ट, विच हैव रियली प्रूव्ड, बी पार्ट, एलिग्जिर टू मी, सी पार्ट, डी, नो एरर। इसमें देखिए, पहले पार्ट में गलती है, एडवाइसिस नहीं होता, एडवाइस होता है, क्योंकि एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है और हम इसमें SEIS का यूज नहीं कर सकते, अर्थात हम इसे प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पर एडवाइस का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, दीज फर्नीचर्स आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, ए पार्ट, दिस इज वाई दे, ये बी पार्ट, आर सो एक्सपेंसिव, सी पार्ट, डी, नो एरर। देखिए, इसमें एरर पहले पार्ट में है, फर्नीचर्स
जो वर्ड है ये सिंगुलर में यूज होता है, इसमें हम एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पर जो दीज है इस दीज को भी बदल देंगे दिस में और आर की जगह हो जाएगा इज। तो दिस फर्नीचर इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, ये पूरा सेंटेंस इस तरह से बना जाएगा, यानी कि ए पार्ट में इसमें एरर है। क्वेश्चन नंबर 8, शी हैड ऑलरेडी गिवन यू, ये ए पार्ट, एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट मिशअप, ये बी पार्ट, हाउ एवर शी डिड केयर इवन एन आइडियोटा आइटो फॉर इट, ये सी पार्ट, डी नो एरर। अब देखिए यहाँ पर वर्ड आया है इन्फॉर्मेशन, बी पार्ट को देखिए इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन जो नाउन होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए इसमें ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आई हैव हर्ड दैट यू आर शिफ्टिंग, ये ए पार्ट, टू अ न्यू क्वार्टर, ये बी पार्ट, एट अंधेरी टुमोरो, ये सी पार्ट, डी नो एरर। इसमें बी पार्ट में मिस्टेक है, जब भी किसी निवास स्थान का यूज किया जाएगा तो यहाँ क्वार्टर के लिए क्वार्टर्स का यूज होगा, अगर आप क्वार्टर वर्ड यूज कर देंगे तो ये शराब के लिए यूज किया जाता है, यानी कि एक जो बोतल होती है उसका चौथा हिस्सा क्वार्टर बोला जाता है, और जबकि यहाँ पर निवास स्थान की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर क्वार्टर्स का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वुड यू लाइक टू से इफ वन, ये ए पार्ट, आस्क यू एनीथिंग, बी पार्ट, अबाउट द इंडियन फोर्स, सी पार्ट, डी नो एरर। फोर्स का मतलब होता है ताकत और फोर्सेस का मतलब होता है सेना, यानी कि यहाँ पर सी पार्ट में एरर है, यहाँ आना चाहिए इंडियन फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन द वे टू पुणे सी स्टॉप्ड सो मेनी टाइम्स, ए पार्ट, डू एडमायर द वर्नल, ये बी पार्ट, सीनरीज फ्लैंकिंग अलोंग द मैकेडमाइज्ड रोड्स, ये सी, डी नो एरर। तो इसमें सी पार्ट में गलती है, सीनरीज की जगह सीनरी आएगा, क्योंकि जिसे इंफॉर्मेशन होता है सीनरी, फर्नीचर, बैगेज, लगेज, गार्बेज, पोइट्री, स्टेशनरी, ज्वेलरी, वुड, वर्क, एडवाइस, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं और इनमें एस या ईएस का यूज नहीं होता, इसलिए यहाँ पर सीनरी वर्ड यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 12, वुड यू प्लीज टेल मी हाउ मैनी, ये ए पार्ट, शॉप्स डू यू, बी पार्ट, यूज इन अ मंथ, सी पार्ट, डी नो एरर। तो यहाँ पर बी पार्ट में गलती है, यहाँ शॉप्स की जगह सोप आएगा, या तो क्योंकि जो सोप है, सोप मतलब साबुन, यहाँ पर साबुन के लिए केक्स ऑफ सोप तो यूज कर सकते हैं, लेकिन सोप्स वर्ड यूज नहीं होगा, केवल सोप वर्ड होगा सोप। क्वेश्चन नंबर 13, डोंट यू नो हर एंगर्स, ए पार्ट, इज डेंजरस, बी पार्ट, एज द फ्लेयरिंग फायर, सी पार्ट, डी नो एरर। यहाँ ए पार्ट में गलती है, एंगर्स क्रोध, और क्रोध को हम गिन नहीं सकते, इसका मतलब ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब फीलिंग, और फीलिंग को हम गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर ये एरर है, एंगर्स में एस हटेगा, एंगर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कैन यू गिव मी एट लीस्ट 5 ब्रेड्स टू ईट, 5 ब्रेड्स टू ईट, यहाँ पर जो ब्रेड्स है ये ब्रेड्स की जगह यहाँ पर ब्रेड का यूज होगा, किसका यूज होगा, ब्रेड का। आप यहाँ पर इसके स्थान पर 5 loaves ऑफ ब्रेड का प्रयोग कर सकते हैं, तो यानी कि ध्यान दीजिएगा 5 loaves ऑफ ब्रेड, ना कि ब्रेड्स। क्वेश्चन नंबर 15, अ फ्यू डेज एगो शी रिसीव्ड अ लेटर, अ पार्ट, ऑफ एडवाइजेस हाउ टू, बी पार्ट, गिव अ मेक ओवर टू लाइफ, सी पार्ट, डी नो एरर। अब यहाँ पर देखिए एरर इसमें बी पार्ट में, मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि एडवाइसेस में हम एस आई एस नहीं लगा सकते, इसलिए यहाँ पर या तो हो पीसीस ऑफ एडवाइस तब करेक्ट होगा, लेकिन एडवाइसेस रॉन्ग है, इसलिए बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 16, कमांडर इन चीफ्स आर अमंग, ए पार्ट, दोज हू, बी पार्ट, गेट हैंडसम सैलरी, सी पार्ट, डी नो एरर। यहाँ पर देखिए कमांडर इन चीफ्स ये कंपाउंड वर्ड्स होता है, और यहाँ पर जो पहला नाउन है, यहाँ पर दो नाउन है, एक तो कमांडर है एक चीफ्स है, तो यहाँ पर जो एस लगा है वो गलत है, वो कमांडर में एस आएगा। जब भी किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आएगी तो रूल क्या है, आपको पहले वाले के साथ एस लगाना है, कमांडर्स इन चीफ, यानी कि ए पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 17, ओनली टुडे आई हैव कम टू नो, ए पार्ट, दैट सनी हैज़ टू सिस्टर इन लॉज, सी पार्ट, डी नो एरर।
ये भी 16 की तरह ही, अभी मैंने रूल बताया है, तो यहाँ पर सिस्टर में एस लगेगा, लॉ में से हटेगा, तो सिस्टर्स इन लॉ, यानी कि सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 18, शी वॉज ग्रीटेड बाय ऑल द पासर बाय, ये बी पार्ट, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, सी पार्ट, डी नो एरर। तो यहाँ पर भी बी पार्ट में एरर है, ये तीनों सेंटेंसेस, तीनों एरर्स सेम ही हैं। यहाँ पर पासर में एस लगेगा तो पासर्स बाय हो जाएगा, बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 19, द जोधपुर हाई कोर्ट हैज इश्यूड 5 समन्स अगेंस्ट हिम, ए पार्ट, सो फार बट ही, बी पार्ट, हैज अटेंडेड टू नन ऑफ देम, सी पार्ट, डी नो एरर। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समन्स की जगह समन्सिस आएगा, क्योंकि जो समन है वो सिंगुलर होता है और समन्सिस ये प्लूरल बनाना है हमें, यहाँ पर भी समन्सिस का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, मैथमेटिक्स आर अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर, या ए पार्ट है, दोज स्टूडेंट्स हु, ये बी पार्ट, डोंट वर्क हार्ड, सी पार्ट, डी नो एरर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए पार्ट में ही एरर है। जब भी किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, जैसे सिविक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट के नाम होते हैं, विषयों के नाम होते हैं, तो यहाँ पर हम सिंगुलर में इनको यूज करते हैं, तो यहाँ पर आर की जगह इज का यूज होगा। फिर है, हिज मैथमेटिक्स इज़ वेरी गुड सो ही विल, ये ए पार्ट, श्योरली ऑप्टेन मोर, बी पार्ट, देन 19% मार्क्स, सी पार्ट, डी नो एरर। अब देखिए, जैसा मैंने अभी ऊपर रूल बताया था, तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ तो सही है, इसमें तो नो एरर है, लेकिन नहीं, ध्यान रखना, जब भी इन सब सब्जेक्ट्स के पहले कोई भी पजेसिव प्रोनाउन, जैसे हीज, माय, योर, आर, देयर, ऐसे कुछ भी आएगा, तो ये फिर प्लूरल बन जाता है, और यहाँ पर इज की जगह आर आएगा, यानी कि ए पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 22, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज़ वेरी पथेटिक बिकॉज, ये ए पार्ट, पॉलिटिशियंस आर करप्ट, बी पार्ट, एंड इनएफिशियंट, सी पार्ट, डी नो एरर। अब यहाँ पर देखिए, अभी बताया था पॉलिटिक्स के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, लेकिन वो सब्जेक्ट जब हो तब, यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो राजनीति से मतलब है, इसलिए यहाँ पर ये प्लूरल ही है, और प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पर इज की जगह आर आएगा, यानी कि ए पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 23, शी हैज़ ओनली 2 इश्यूज वाइल, ये ए पार्ट, हर सिस्टर हैज़ बी पार्ट, फॉर ऑफ स्प्रिंग, ये सी पार्ट, डी नो एरर। इश्यूज की जगह यहाँ चिल्ड्रन का यूज होगा, यानी कि ए पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 24, मोस्ट पीपल इन इंडिया नाउ लिव इन अ हाउस, ये ए पार्ट, बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, ये बी पार्ट, बट अर्लियर इट वॉज नॉट लाइक दैट, ये सी पार्ट, डी नो एरर। यहाँ पर देखिए, बी पार्ट में एरर है, ब्रिक्स की जगह ब्रिक वर्ड यूज होगा। जब भी मैटेरियल नाउन का यूज होगा तो मैटेरियल नाउन को हम प्लूरल में यूज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में, व्हाट सी टोल्ड मी टू आस्क यू दैट, ये ए पार्ट, व्हेन एवर यू गो टू मार्केट, डू, ये बी पार्ट, गेट हर सम फ्रूट, ये सी पार्ट, और डी नो एरर। देखिए, इसमें जो एरर है वो सी पार्ट में है, यहाँ फ्रूट्स की जगह फ्रूट वर्ड का यूज होगा, क्योंकि जब भी फ्रूट का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है तो ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर फ्रूट्स की जगह फ्रूट का यूज होगा। तो स्टूडेंट्स, देखिए, ये था नाउन्स पर आधारित हमारा पहला वीडियो। यदि आप सेकंड वीडियो भी, इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हमें पता चल सके कि हमें अभी और भी कितना सुधार करना है अपनी वीडियो को बनाने में। और सेकंड पार्ट बहुत जल्दी मैं आपको इसका दूंगा, नाउन्स का। आप वीडियो को कई कई बार देखें, सुने, समझें, रूल्स को लर्न करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।